नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं फिर एक बार आपको लेकर गई 1090 चौराहे पे, जहाँ पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जहाँ पे भारत विकास समिति और एक परिवर्तन फाउंडेशन द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, हैंग दी रेपर। जिस तरीके से लड़कियों पर लगातार अत्याचारों और दुष्कर्म की वारदात से आप अवगत होंगे, जिसको चलते देख करके सारी चीज़ों को लेकर के भारत विकास समिति ने एक मुहिम चलाई है कि वो हर महीने की 15 तारीख को और 30 तारीख को यहाँ 1090 चौराहे पर लोगों को जागरूक करेंगी और किस तरीके से नारियों के पास अत्याचार हो रहा है और दुष्कर्म की जो वारदातें सामने आ रही हैं उनको कम करा जाए। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए, जिस तरीके से लड़कियों पर दुष्कर्म के मामले थम नहीं रहे, आए दिन कोई ना कोई वारदात सामने आती रहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से तो उम्मीद हम लोग ना ही कुछ करें और ख़ुद को ही सक्षम बनाएं, और इस दिशा में महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, उन्हें जागरूक होना पड़ेगा और हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे। तो मैं, आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है, कल भी प्रतापगढ़ का एक लड़की का मामला सामने आया, आज भी आप बाराबंकी का केस सामने आया, तो मैम ऐसे कब तक होता रहेगा? ऐसे तो तब तक होता रहेगा जब तक महिलाएं खुद ही अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगी। इस अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले तो महिलाओं को सड़क पर निकलना चाहिए अपने घरों से, और एक बहुत ही शक्ति के साथ हमारे आंदोलन में साथ दें कि जो भी रेपिस्ट है उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और इसके लिए सरकार से हम लोग बहुत शक्ति के साथ हम लोग को ये मांग करनी चाहिए। तो मैम, आगे चल करके जो भी सारे जो फैसले आप चाहते हैं सरकार सख्त से सख्त फैसला ले, तो उसमें अभी तक आपको क्या कामयाबी हासिल हुई, आप कितने दिनों से ये मुहिम आपने शुरू करी है? हमने इसको अभी एक ही महीना हुआ है इसको शुरू किए हुए, अभी तो हम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं इस आंदोलन में, और धीरे धीरे हम इसको फिर बाहर के जिलों में ले जाएंगे, और फिर जब हमारा आंदोलन ये एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लेगा फिर हम लोग सरकार से पूरी शक्ति से इस चीज़ की मांग करेंगे, और जब कोई भी आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है तो सरकार को उसकी मांग माननी ही पड़ती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं हंगामा टाइम्स का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हर बार आते हैं, हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आप कह रही हैं सही बात है, और प्रतिदिन रेप के केसेस हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में, ये जो रेप के केसेस है ना, इसको एक ट्रंप कार्ड की तरह यूज़ किया जा रहा है। रेप तो प्रतिदिन हो रहे हैं, हर घंटे में चार हो रहे हैं, सैकड़ों हो रहे हैं, लेकिन अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए इस जो है दुष्कर्म को जो हाइट दे के जो है उसको संसार किया जाता है। आप उस पर कानून बनाइए, ख़त्म करिए इस समस्या को, इसको अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए बीच बीच में इस केसेस को उठा दिया जाता है। दुष्कर्म तो रोज़ हो रहे हैं, एक से एक खतरनाक हो रहे हैं, आपको भी पता है जिस जिले में हो रहा है वहाँ के लोगों को पता है, कई जगह पर ऐसी चीज़ें होती हैं, तहरीर दी जाती है, वहाँ पर मुकदमा नहीं लिखा जाता, तो ये सब समस्याएँ हैं। लेकिन इसको जो है एक ट्रंप कार्ड की तरह हमेशा से यूज़ किया गया है, इस मुद्दे को सरकार ने हमेशा पब्लिक के बेसिक नीडों से अन्य चीज़ों से मुद्दे को भटकाने के लिए किसी ना किसी रेप कांड को तूल पकड़ा देते हैं और अन्य चीज़ों से ध्यान भटका देते हैं। महिलाओं को तो छोड़िए, नाबालिग लड़कियों को नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन जब महिला या लड़की मर जाती है तो विपक्षी पार्टी जमीन पर उतरती है, जब तक महिला या लड़की जिंदा रहती है तब तक वो क्यों नहीं सख्त कदम उठाते हैं? देखिए, विपक्षी पार्टी की तो मैं बात नहीं करूंगा, ना मैं ज़्यादा कुछ कहूंगा उसके बारे में, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष अपना निभाता है, जहां पे जिसकी सरकार हो, जहां पे मान लीजिए अभी जैसे मैंने सोशल साइट्स पे देखा, लोग राजस्थान में मांग कर रहे थे कि जो है कांग्रेस वहाँ पर क्यों नहीं गई, तो ठीक है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर बीजेपी विपक्ष में भूमिका निभा रही है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पर आवाज़ उठाएँ। और जो भी लोग जो ये ड्रामा कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, बलात्कारियों के पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, सिंपैथी अपनी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, आप जाइए, सब लोग जाइए, सब कुछ करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। जिस राज्य में आपकी सरकार है आप अपने राज्य में चालू करिए ना, चुनाव आने वाले हैं, आप अपने घोषणा पत्र में जो है घोषणा कीजिए कि जो है मेरी सरकार बनेगी तो मैं जो है बलात्कार के ऊपर सख्त कानून लाऊंगा, बलात्कारियों को सिर्फ फांसी की सज़ा होगी, आप करिए, देखते हैं कौन नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन ये लोग खुद नहीं करना चाहते हैं, सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, और सिर्फ हमारे देश में आज तक जनता को गुमराह किया गया है। तो हमारे देश की जनता से क्या कहना चाहिए? हमारे देश की जनता से अपील मेरी बस यही है, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि ये पहले तो जो राजनीति में हथकंडे अपनाए जाते हैं, हर एक पॉइंट पर जो है जो पॉलिटिकल स्टंट खेला जाता है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और अधिकतर पार्टियों ने क्या किया है, हमको जो है पार्टी इंसान नहीं, हम लोग आजकल पार्टी के लोग हो गए हैं, कुछ लोग पार्टी के अलग हो गए हैं, पर सब लोग पार्टी की उस पर बात करते हैं, समाज के हित में कोई बात नहीं करता। तो उनसे मैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग समाज के लिए बात करिए, पार्टी अलग चीज़ है, आप सपोर्ट चाहे जिसको करते हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सत्य और असत्य सही जगह पर अपनी बात रखने के लिए, और सरकार जहाँ पर सरकार गलत हो वहाँ पर आवाज़ उठाने की हिम्मत सबको अपने अंदर लानी होगी।
क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम रवि रंजन गिरी। जिस तरीके से भारत विकास समिति के द्वारा एक मुहिम चलाई गई हैंग द रेपिस्ट, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुहिम हैंग द रेपिस्ट काफ़ी अच्छा मुहिम है, अगर ये चलाया जा रहा है और इस पे इसका अमली जामा अगर पहनाया जाए तो ये बहुत अच्छा मुहिम है। जिस तरीके दुष्कर्म की वारदात हर जगह पे हर समय पे आप सुनाई देती होगी, कहीं ना कहीं जिलों से कोई ना कोई ऐसी वारदात आपके सामने आती होगी, सरकार क्या सो रही या बहरी हो गई है? नहीं, सरकार को इस पे देखिए ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक घोषित होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक का वो होना चाहिए, समिति बनना चाहिए और इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कानून बना है लेकिन उसको लागू नहीं करा जा रहा है। नहीं तो इस पे जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं या जो भी उसमें शासन प्रशासन के में बैठे हुए लोग हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे त्वरित एक्शन लेना चाहिए। तो आप कितना इस मुहिम में साथ देंगे? मैं इस मुहिम के साथ हमेशा खड़ा हूँ और आगे रहूँगा। आपने सुना कि भारत विकास समिति के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही हैंग द रेपिस्ट, जिसके चलते आम जनता भी उनके साथ खड़ी हो रही है। ये तो सच है कि जब भारत सरकार में सरकार बनती है तो सरकार आम जनता की भलाई के लिए और नारियों की सुरक्षा के लिए वादे बहुत करते, लेकिन ज़मीनी स्तर से कितना काम होता होगा वो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।